हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में आपको मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से है। तो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थैंक्स वेरी वेरी। चलिए देखिए, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, फिर वाटर है, लाइट है, और इसके बाद सॉयल है। ठीक है, तो टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये सभी के सभी हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का हमें इस वीडियो लेक्चर में बारी बारी से अध्ययन करना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम टेम्परेचर जो एबायोटिक फैक्टर है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, प्रमुख अजैविक कारक में अगर हम बात करें, टेम्परेचर जो होता है वो पारिस्थितिकी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक होता है, यानी मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो यहाँ पे टेम्परेचर है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान वर्षा जो औसत तापमान है ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं ये बात कि जो तापमान होता है वो ऋतुओं के अनुसार यहाँ पर सीजनली चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और जैसे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है, यानी भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं और मैदानों से पर्वत शिखर की ओर जाते हैं तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है, कम होता रहता है। यानी कि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर ध्रुवों की तुलना में ज़्यादा होगा और जो मैदानी भाग हैं उन पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी शिखरों पर और पोल पर, यानी कि जो हमारे माउंटेन है और जो हमारे पोल है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है भूमध्य रेखा और मैदानों की तुलना में, यानी कि पोल पर और जो पर्वत शिखर होते हैं उन पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत की शिखरों की ओर जो टेम्परेचर होता है वो उत्तरो रहता है, घटता रहता है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तापमान ऋतुएं बदलती रहती हैं, तापमान बदलता रहता है। तो देखिए, अब हम जब हम बात करते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो उच्च अल्टीट्यूड होते हैं वाले क्षेत्रों में तापमान सब जीरो यानी कि अवशून्य से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों जो होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं उनमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो जो एल्टीट्यूड ध्रुवीय क्षेत्र हैं और जो एल्टीट्यूड क्षेत्र हैं इनमें तापमान जो होता है बहुत ही कम तापमान होता है, और जो क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें तापमान आप जानते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि तापमान वेरी कर रहा है, तापमान हर जगह बदल रहा है। ठीक है, यानी कि इट रेंजेस रेंज करता है कहाँ से, सब जीरो लेवल्स इन पोलर, यानी जो सब जीरो लेवल्स हैं पोलर्स हैं उनमें तापमान सब जीरो लेवल होता है और शून्य लेवल पर होता है, और हाई एल्टीट्यूड जो एरियाज होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं उनमें आप देखते हैं कि तापमान जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी हैं जैसे गर्म झरने और गंभीर सागर यानी गहरे सागर के जो उष्ण जलीय निकास होते हैं जहां औसत जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बेजोड़ आवास भी हैं जैसे कि गर्म झरने हैं और गंभीर सागर हैं, यानी कि गहरे सागर हैं, जो गंभीर सागर हैं गहरे सागर हैं के सागर के जो उष्ण जलीय निकास हैं वहाँ पर जो तापमान होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। ठीक है, तापमान जो थर्मल स्प्रिंग्स डीप सी हाइड्रोथर्मिक जो वेंट्स हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए किस तरीके से टेम्परेचर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है और कहाँ कहाँ 100 के ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है। चलो तो फिर आगे देखते हैं।
अब देखिए, यह सामान्य ज्ञान है कि सामान्य ज्ञान की बात है कि जो आम के पेड़ होते हैं वो कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते हैं। यानी कि आम के जो पेड़ हैं वो कनाडा और जो जर्मनी है जो शीतोष्ण देश हैं वहाँ पर जो शीतोष्ण एरिया होते हैं, यानी कि जो टेम्परेट कंट्रीज होते हैं, जो टेम्परेट कंट्री यानी कि शीतोष्ण कंट्रीज हैं जो कनाडा हैं और आपके ये जो जर्मनी है, यहाँ पर क्या होते हैं मैंगो ट्री यहाँ पर नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं जनरली यहाँ पे मैंगो ट्री हमें देखने के लिए। और हम बात करते हैं कि जो जैसे कि हिम चीते होते हैं जो केरल के जंगलों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं केरल में थोड़ा तापमान जो होता है यहाँ हिम के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है, इसलिए क्या होता है कि हिम जो चीते होते हैं वो केरल के जंगलों में देखने को नहीं मिलते हैं। और जो ट्यूना मछली होती है वो महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो केरलास में जो स्नो लीपर्स हैं, हिम लीपर्स हैं, वो केरला में देखने को नहीं मिलते हैं। और जो ट्यूना फिश होती है वो रेयरली कॉट बियॉन्ड दी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। यानी कि जो ट्यूना मछली होती है वो ट्यूना मछली आपकी ट्यूना मछली की बात करते हैं तो ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण जो अक्षांश से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। ठीक है, ट्यूना मछली जो है शीतोष्ण अक्षांश से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। और जो हिम चीते होते हैं वो केरल में जनरली नहीं मिलते हैं। अब हम देखिए आगे बात करते हैं कि जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व, जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं, समझ सकते हैं जब आपको यह पता चले कि यह जो एंजाइमों की जो काइनेटिक्स होती है, जिसको कि आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, कि जो एंजाइमों की जो काइनेमेटिक्स होती है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रभावित करता है, इसके द्वारा आप जो एंजाइम की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है और उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं उसको ये प्रभावित करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो आपने देखा है कि जो सिग्निफिकेंस होता है टेम्परेचर का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होता ही होता है। व्हेन यू आर रिलाइज दैट इट इफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट द बेसल मेटाबॉलिज्म, जो एंजाइम की जो बेसल मेटाबॉलिज्म्स जो होती है और उनकी एक्टिविटी होती है, उनकी कार्यकी होती है, अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं जो कि ऑर्गन्स के, तो ये क्या है होते हैं, ये प्रभावित करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, यानी कि इनकी कार्यकी जो होती है वो प्रभावित करती है। देखिए एंजाइम की जब कार्यकी इफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स होगा उसकी भी कार्यकी किसी न किसी हद तक वो इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जीवधारियों के तापमान के महत्व को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि जो एंजाइमों की जो काइनेटिक्स होती है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रभावित होंगी, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रभावित होगी, जिससे क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के प्रभावित होने से उनकी कार्यकी में परिवर्तन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूरोथर्मल और स्टीनोथर्मल जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने योग्य है। देखिए वाइड रेंज एरिया जो होता है टेम्परेचर उसको हम यूरोथर्मल बोलते हैं और जो नैरो रेंज एरिया होता है उसको हम स्टीनोथर्मल बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलें।